रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम फाइंड द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हम देखेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कैसे बताया जा सकता है। तो आपको पता है कि आपके अंदर एक छोटा सा लीडर छुपा हुआ है, तो प्रोएक्टिव कहते हैं जो बच्चे पेशबंदी करते हैं, तो उनकी कुछ खसूसियात देख लेते हैं। जो प्रोएक्टिव होते हैं उन्हें गुस्सा नहीं आता, वो ज़िम्मेदार होते हैं, यानी अपनी गलती करते हैं तो मान लेते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, अमल से पहले सोचते हैं, हमेशा काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, उन कामों पर तवज्जो देते हैं जो वो कर सकते हैं, उन कामों के बारे में परेशान नहीं होते जो उनकी पहुँच से बाहर हैं। तो आपका काम करना है मेहनत करना, तवज्जो से सबक पढ़ना, होमवर्क करना, टीचर का कहना मानना, साफ़ सुथरा रखना अपने आप को भी और अपने माहौल को भी। तो हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर, ये तीन नंबर हैं 6, 5, 8। तो हम देखते हैं कि हम एक नंबर स्ट्रिप से इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक लाइन लगाएं और उस पर 1 से 17 तक नंबर लिखें। अब आपके पास ये तीन नंबर हैं, तो इनको नंबर लाइन पे इनके गिर्द लाल दायरा लगाएं। अब आप देखें कि सबसे जो छोटा नंबर है वो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड से सबसे पहले आएगा, तो इसलिए 5 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि वो सबसे पहले आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से। और 8 जो है वो सबसे आखिर में आता है, क्योंकि नंबर स्ट्रिप पे वो सबसे बड़ा नंबर है। और जो 6 है वो दोनों के दरमियान में आता है। तो हम कहेंगे कि 5 सबसे छोटा नंबर है और 8 सबसे बड़ा है। अब एक अगली मैं आपके सामने प्रॉब्लम रख रही हूँ, आप इसी तरह नंबर स्ट्रिप पे लाइन नंबर लिखें 22 तक, और ये तीन नंबर हैं 14, 17 और 22। यहाँ पे वीडियो रोकें और पहले खुद से करें कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा, और उसके बाद आगे इसका जवाब हम देख लेते हैं। तो 14 सबसे पहले आता है, वो सबसे छोटा नंबर है, और 22 सबसे एंड पे आता है, तो वो सबसे बड़ा नंबर है। हम इसी तरह, एक तो हमने ये स्ट्रिक्ट मेथड किया, इसी तरह हम 100 का स्क्वायर बना के भी बड़े और छोटे नंबर को देख सकते हैं। आप 100 तक इसी तरह काउंट अपनी कॉपी पे एक बॉक्स बनाएं, और ये तीन नंबर हैं 62, 65 और 69, इनके गिर्द दायरा खींचें। अब आप देखें कि गिनती में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, सबसे पहले 62 नंबर आता है। तो हम कहेंगे कि 62 नंबर जो है वो सबसे छोटा नंबर है, और फिर उसके बाद आप काउंट करते जाएं तो 62, 63, 64, तो 69 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, जो हमारे पास तीन नंबर हैं, तो इसलिए 69 इज़ द बिगेस्ट नंबर, और उनके बीच में 65 आता है। ये बहुत आसान तरीका है सबसे बड़ी नंबर को मालूम करने का और छोटे नंबर को भी मालूम करने का। अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास तीन नंबर हैं 57, 36 और 45। आप जो 100 का स्क्वायर बनाया है उस पर इनके गिर्द दायरे लगा लें पेंसिल से, और आप देखें कि गिनती में 36 पहले आता है, तो 36 छोटा नंबर है, और सबसे आखिर में 57 आता है, तो 57 इज़ द बिगेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट को छोटा कहते हैं और बिगेस्ट को बड़ा कहते हैं। तो 36 इज द स्मॉलेस्ट नंबर और 57 इज द बिगेस्ट नंबर। उम्मीद है आपको ये आसान तरीका पसंद आएगा। अब हम एक आपके लिए एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, एंड सर्कल द बिगेस्ट नंबर। अब ये आपके सामने मैं तीन नंबर रख रही हूँ, इनमें से जो बड़ा है वो आपने उसके गिर्द दायरा लगाना है। कॉपी पेंसिल लेके ये अपनी कॉपी पे ये नंबर लिखें और यहाँ पे वीडियो रोक दें, और जो मैंने आपको दो स्ट्रिप मेथड या 100 मेथड जिसे भी आप करना चाहें उसके मुताबिक इसको हल करें और फिर इसका आंसर देखें। तो ये देखें कि ये इसका आंसर है, कौन जो बड़े नंबर हैं उनके गिर्द दायरे लगे हुए हैं। अब आप एक और एक्सरसाइज करें, अब आपने जो सबसे छोटा नंबर है उसके गिर्द दायरा लगाना है, एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर के गिर्द दायरा लगाएं। ये आपकी प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पे वीडियो रोक के इसको हल करना है पहले और फिर अगली स्लाइड देखनी है आपकी, इससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है। तो ये देखें कि जो छोटे नंबर हैं उनको एक गिर्द मैंने दायरा लगाया है। आज मैंने आपको दो मेथड समझाए, आप स्ट्रिप मेथड से भी कर सकते हैं और स्क्वायर मेथड से भी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, इसे शेयर करें और